वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपना 2.1 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 3 रह गया था, उसके बाद विविध को करते हैं और लगभग लगभग आज विविध को भी खत्म कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन से सारे। देखिए सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। दो संख्याएं दे रखी है तो उसमें दोनों में देखिए शेष पर आ रहा है क्या क्या आ रहा है, वो दोनों में सेम आ रहा है शेष पर, पांच पांच। मैं सही बोल रहा हूँ, प्रत्येक संख्या में शेष में पांच है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों से क्या हो, विभाजित हो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल पांच प्राप्त होता है। अगर शेषफल पांच प्राप्त नहीं होता तो शेषफल कितना होता, जीरो होता। मेरी बात को समझ रहे? अगर मैं शेषफल को मैं हटा दूं तो शेषफल जीरो हो जाएगा, और जब शेषफल जीरो आता है इसका मतलब वो संख्या पूर्णतया क्या होगी, विभाजित होगी। लेकिन वो कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। वो कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। कौन कौन सी संख्या, वो जो दे रखा है लेकिन शेषफल 245 2003। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, संख्याएं आपको क्या क्या हो जाएगी, आपको पता है शेषफल जो आपका शेषफल है। वीडियो बदल आ रहा है क्या, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या, वीडियो सही आ रहा है, यस और नो? हाँ अब सही आएगा, अब चेक करो सही आ रहा होगा, यस अब सही आ रहा है। तो संख्या ही देखिए पहली कितनी, 245, 245 में से पांच कम करना पड़ेगा, और 2053 उसमें से पांच कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर ये सीरीज पर नहीं आएगा तो, यानी कि अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है, अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है जो इस संख्या में और इस संख्या में भाग देने पर कितना शेष बचता है, पांच। अगर मैं शेषफल को बता दूं तो जो भी मेरी संख्या है क्या इसको पूर्ण से विभाजित कर देगी, अरे शेषफल तो आया था पांच, मैंने शेषफल को खत्म कर दूं विभाजन विधि से है, स्टेप टेस्ट के लिए अपन स्टेप टेस्ट आपको पता है 2048 बड़ा है 240 से, 2048 को क्या लिखेंगे, 240 कल को करवाया था ये क्वेश्चन आया नहीं था आंसर, कितनी बार आएगा ये गया भी था आपने, मेरे हिसाब से 8 बार गया है, कितनी बार गया था, 8 बार, 0, 8, 32, 8, 16, 19, 8, 2, 1, 128 आएगा, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या बोला था मैंने, फेस पर जीरो नहीं है, पर जीरो नहीं है, और कौन बढ़ा है, 240 बढ़ा है 128 से, तो वही यूक्लिड वाली विधि से क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या हो जाएगा अपना,
240 बराबर 240 में 123 का भाग देंगे, 123 का भाग देंगे 240 में, एक बार आएगा 112 बच गया, तो 128 गुना 1 प्लस 112। अब फिर वो शेष पर जीरो नहीं है, शेष पर जीरो नहीं है, थर्ड स्टेप नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। 112 को टाइम देंगे, 128 बढ़ा है 112 से, तो वही इक्वेटिव बाजी में सीधा होगा 112 इनटू हमारे शेष पर छोड़ा बच जाएगा, ठीक है। अब फिर वो क्या हो गया, स्टेप फोर शेष पर फिर जीरो नहीं आया, शेष पर कितना आया 16, नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब की बार 112 के फॉर्म में डाल 16 है, 112 को 16 इनटू 7 प्लस 0 आ जाएगा, अब की बार शेष पर, अब की बार शेष पर जीरो आ गया, शेष पर जीरो आ गया, शेष पर जीरो। सो एचसीएल क्या आ जाएगा इनका, 20 एंड 20 240 एंड 2048 कितना आया, कितने का भाग लगाया लास्ट में, 16 का भाग, 16 कौन सा आ रहा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो समझ में आ गया हो तो, यस और नो में। चलो विविध प्रश्न वाला निकालो सभी स्टूडेंट्स, उस पे फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं, विविध प्रश्न वाला का की घातों को का योग पर लिखिए, 196 है, 196 का अभाज्य गुणनफल करेंगे, अभाज्य गुणनफल करने पर चार में था 152 का एचसीएफ निकालना है, हो ही जाएगा ये तो, चार में 152 है क्या, हाँ। अभाज्य गुणनफल करेंगे, चार में का 5 से 19 बार, 19 का 19 से एक बार हो गया काम, चार में को 5 से 19 कर सकते हैं, 152 को करेंगे सॉल्व, 152 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आया 75 और 76, 76 में 2 का भाग लगाएंगे 39, नहीं 38, 38 में 2 का लगाएंगे 19,
क्या सही बोल रहा हूँ? 152 को लिखेंगे 2 की घात 3 और 19। ऐसे कैसे याद करते हैं? तो सब में कॉमन आए, सबसे छोटा हो। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे 19 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 19 क्या जाएगा इसका? ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे के बाद एड फोर्थ नंबर वाला, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है। आपको पता है एलसीएम दे रखा है कितना? 30। और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है 1080। और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। कल ही तो करवाया था, कल ही करवाया, पहले करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम याद करना है, एलसीएफ 30 है, 1080 दे रखा है। मल्टीप्लाई किस कहा जाती है? डिवाइड में। एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 108 में 3 का भाग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चार सौ 41, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 2, तो बताओ इसका दशमलव प्रसाद स्थान तो क्या है? स्थान एक बार चेक करो, शांत होगा या अशांत होगा? जिसको जिस संख्या के हर को 2 की घात m, 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, उसका प्रकार क्या होता है? शांत होता है। लेकिन क्या ये इसका हर 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में आ रहा है क्या? क्लास में कोई भी स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने बहुत बार देखा है, अपना माइक को ऑन कर लेते हैं। बेटा तुम्हारी कमी है, तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मुझे शो दिलाना आता है बच्चों को, बस वो मेरा काम होता है, और बाकी तुम तुम्हारा काम जाने। पास तो करवा दूंगा धड़े मार मार के, और शो भी दिला दूंगा बिना धड़े मार मार के। बताओ ये शांत होगा या एहसान होगा? यस और नो? अरे बोलो तो सही, बोलो। दिमाग की सारी बत्तियां खुल गई या जल गई? ठीक उठ गए सारे तुम्हारे चार सामने, शांत होगा। अरे वाह क्या बात है मनीष, जल्दी से पीछे आंसर देख लिया, थैंक यू। ऐसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके आंसर देख के बता दिया क्या? क्यों होगा शांत? शांत होगा तो क्यों होगा? अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स आंसर तो एहसान देख रहे हैं लेकिन पीछे शांत नहीं रखा है, तो बोल नहीं पा रहे हैं, यही कारण है। अब बेटा मैं बताता हूँ क्यों है इसका शांत। शांत तो है लेकिन क्यों है? वैसे ये एहसान दिख रहा है क्योंकि जिसका हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होता है? एहसान होता है, शांत नहीं होता है। सर यहाँ पे 2 की घात तो है, 5 की घात भी है, लेकिन ये फर्जी चीज आ गई, ये फर्जी चीज प्रॉब्लम कर रही है। अगर ये नहीं होती तो मैं डायरेक्ट बोलता क्या है? शांत है। लेकिन इसको मैं उड़ा सकता हूँ, कैसे देखा? 445 किसका वर्ग होता है? 21 का होता है। अरे 21 होता है, 443 होता है। ये तो बहुत चीजें बता रहे कि मैंने आपको बेसिक में भरा नहीं। 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 2। अब इस 21 को भी तोड़ सकता हूँ, कैसे देखना? 21 को 7 गुना 3 लिख सकता हूँ, अगले वाले को 7 गुना 3 लिख सकता हूँ। सर लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 2।
तीन की घात कितना आएगा? दो आएगा। सात की घात कितना आएगा? दो आएगा। और दो की घात दो, पांच की घात सात, सात की घात दो। ये भाई साहब इससे कट जाएगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा? अरे कटेगा सर, वॉइस नहीं आ रही बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? एक बार बताइए, वॉइस और वीडियो क्लियर? अच्छा मनीषा ने म्यूट कर रखा, नहीं कर रखा? अरे कहां से है तुम पता नहीं। अब देखो यहाँ पे इससे ये कट गया है, अब क्या बचा? 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब बताओ इसका हल किसके रूप में है? 2 की घात n, 5 की घात n के रूप में है। तो बताओ शांत होगा या अशांत होगा? दशमलव प्रसार इसका क्या होगा? शांत। दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत क्यों होगा? क्योंकि सर इसके हल को 2 की घात n, 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट। अरे अब आगे चलते हैं पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6वां देखो क्या है। 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें बोल रहा है 43/2 की घात 2, 5 की घात 3। आपको पता है कि ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है और दशमलव प्रसार शांत होगा, खत्म होगा। क्या दशमलव प्रसार? लेकिन कहां खत्म होगा ये पता नहीं। तो बच्चों आपको बताना कि पॉइंट के बाद में कितने अंकों के पश्चात वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो 1.2065 8, बताओ पॉइंट के बाद कितने अंकों का खत्म हो रहा है? 5 अंकों का। 1.2048 कितने अंकों के बाद खत्म हो रहा है? 4 अंकों के। ये कैसे पता चलेगा? अरे कर सकते हैं, ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा बता सकते हो? 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 2 की घात और 5 की घात को क्या बनाते हैं? बराबर बनाते हैं। मैंने टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था इस तरह का क्वेश्चन, याद हो तो आप लोगों को। तो यहाँ पे 43 को 2 से गुणा करेंगे तो 86 आएगा, और यहाँ पे 2 की घात 3 हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 और 5 की घात सेम हुई है। अब इसको कैसे करेंगे? 2 गुणा 5 की घात 3 लिख सकता हूँ। 2 गुणा 5 कितना होता है? 10 होता है। 10 की घात 3 कितना होता है बच्चों? 1000 होता है। और 1000 होगा, अब 1000 का पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप? 1, 2, 3 अंकों के बाद क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। अरे 3 अंक आ गए ना ये, अब क्या लगा दूं? पॉइंट लगा दूं? अच्छा नहीं लगता। बताओ पॉइंट के कितने अंकों बाद में खत्म हुआ? 3 अंकों के अंकों के बाद में। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन इज गैप और गाय। गैप और गमला भी होता है, गैप और गाय है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 अंकों बाद में, 3 अंकों के बाद शांत हो जाएगा, के बाद अंत होगा। किसका? इसका सारे का अंत होगा, किसका होगा? ठीक है। अब 6 के बाद 7 वाला देखो क्या है क्वेश्चन। पहले वाले प्रश्न को करेंगे,
27 को कितने से गुणा करो? देखो ये तो ऑप्शन से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। रूट 27 है, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। 9 का रूट कितना होगा? 3 होगा, हमारे रूट 3 हो जाएगा। अब ये आपके पास आ गया है। अब इस संख्या को मैं आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो लेके चल रहा हूँ, बी रूट 3 है देखो। तो आपको ऐसे पूछा था कि इसको कितने से गुणा करूं, इस संख्या को कितने से गुणा करूं कि वो पूर्णांक संख्या आ जाए। रूट 3 से गुणा कर दिया तो 3 तो ऐसा कर था, रूट 3 को रूट 3 से गुणा कर 9। क्या 9 पूर्णांक संख्या होती है? क्या होती है? 0 होती है, होती है। तो आपने कितने से गुणा किया? रूट 3 से। और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसको गुणा करने पर पूर्णांक संख्या है। पहला ऑप्शन क्या है? 3। 3 से गुणा कर देंगे इसको, इसको 3 से गुणा करो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? क्या पहले से क्या है? क्या वो सॉरी पूर्णांक संख्या है? क्या नहीं है? अब दीवार को कह लिया, दीवार का ऑप्शन क्या है? 9 से गुणा कर दो, कोई कोई फायदा नहीं है। ये लो, ये भी पूर्णांक नहीं है। अब बोलो अगला वाला ऑप्शन, 3 2 3। अच्छा न्यूनतम पूछा होगा, वो सबसे न्यूनतम, सबसे न्यूनतम पूछा है। ये भी तो हो सकता है 3 3 से 9 9 से 27। अरे या तो इससे गुणा करो या फिर इससे गुणा करो, छोटी कौन सी भी, ये वाली होगी। अरे तो बड़ी होगी ना, आपको पता है एलसीएम इनटू एलसीएम क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल होगा कि नहीं होगा? एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा, देखो ढंग से देखो, एलसीएम कितना दे रखा है? 36। और एलसीएम 3 2 दो संख्याओं का, संख्या कौन कौन सी है? ये तो ए है और ये 18 है। मेरी बात को समझ रहे? अरे दो ही तो संख्याएं हैं, ए और 18, इन दोनों का क्या कर दिया? गुणनफल कर दिया। अब उड़ाएंगे किसको? किसको उड़ाएंगे? इसको उड़ाएंगे और किसको उड़ाएंगे? तो ये 18 का भाग बढ़ा दिया, ये 36 कटेगा दो बार, तो दो गुणा दो बराबर एक का मान कितना आ जाएगा? ऐसे एक का मान 4 आ गया, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये बराबर 4, ये तो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। एन एक प्राकृत संख्या है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, एन प्राकृत संख्या का मान में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, हो सकता है नहीं जान होगा, कुछ भी हो सकता है। एन बराबर 1 रखो आप, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे? 6 की घात 1, 5 की घात 6, माइनस 5 कितना? 1 होता है। बताओ इनका एकांक क्या है? 1 ही है। एन का मान 2 रखो, 6 की घात 2, 5 की घात 2, 36 माइनस 25 कितना हो गया? 11 आएगा। बताओ इनका एकांक क्या है? 1 है। एन का मान 3 रखो, 6 की घात 3, 5 की घात 3, 216 माइनस 125 कितना आएगा? 91 आएगा। इकाई का कितना आएगा? 1 आएगा। सब में इकाई का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अतः इकाई का क्या आएगा? 1 ही आएगा। मिस ये तो आंसर है, मेरी बात को समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 11 देखो, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बात करते 11 और
ओके P by Q एक परिमेय संख्या है, Q Q पर क्या प्रतिबंध होगा कि जबकि P Q P by Q 10.7 है। अरे P by Q क्या है, परिमेय संख्या है। P by Q क्या है, ये परिमेय संख्या है और 10.7 होना चाहिए। यदि दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का, दी गई परिमेय संख्या का 10.7 शांत हो तो, शांत है तो, शांत हो तो परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर, ऐसा मतलब Q 2 की घात n × 5 की घात n के रूप में होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अभी तो शांत होता है। अरे जब ये हर इसके रूप में होगा तभी क्या होगा, शांत होगा। वो प्रश्न पूछने वाला ऐसे पूछ रहा है कि यदि शांत है तो Q का क्या प्रतिबंध होगा, Q का क्या प्रतिबंध होगा कि 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में होगा। प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है, सरल कर बताइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो 45 3 × 20 और 2 × 5 ये जो है, अब इसको तोड़ेंगे, तोड़ना तो आता है, ये लो इसको भी तोड़ दो, ये लो इसको तो क्या करोगे, उठाना बेचारा रूप की आसान है। 9 का रूट कितना 3 होता है और 5 बनता, अरे 9 का रूट 3 होता है, ये 5 हो जाएगा, 3 ऐसा कैसा, 4 का रूट को बाहर निकालेंगे, अंदर 5 रहेगा, नीचे क्या रहेगा, 2 √5 रहेगा। अब तोड़ दिया 6 इंद्रवीच है तो ऊपर क्या आएगा, 6 √5 √5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हाँ जी, तो इसके आगे बढ़ते हैं अपने, आगे क्या बोल रहा है वो देखिएगा। ये हो जाएगा 6 √5 और ये भी कितना हो जाएगा, 6 √5, नीचे कितना, 2 √5, 6 √5 कितना होता है, 12 √5 होगा। अरे 6 6 12, √5 से √5 कर दिया, 12 में 2 का भाग हो गया 6, 6 परिमेय संख्या होती है। अरे 6 को 6 बटा लिख सकते हैं क्या, और जिसको भी बटा करके फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय होती है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ओके ओके डन, 13वां नहीं करेंगे, 14 नहीं करेंगे, 15वां करेंगे, 13-14 कल करेंगे, क्योंकि इसके अलावा बड़े सारे बनेंगे आज। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053967 को विभाजित करने पर शेष पर क्रम से 5 तथा 7 प्राप्त होता है। अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, आज का पहला क्वेश्चन किया था। अरे बोलो अभीष्ट संख्या क्या हो रही, अभीष्ट जानते हो जो अपने को जरूरत है, वहां पर मेरी संख्या ही गलत है, अभीष्ट संख्या है कितनी संख्या कहेगी, 2053 2053 का शेषफल कितना है, 2053 का शेषफल 5 है और 907 का, 967 का 7 हो जाएगा, तो ये तो 2028 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 907 आ जाएगा। इसमें अपने को बोला नहीं है कि कौन सी विधि से करना है, नहीं बोला ना, अपने कौन सी विधि से कर सकते हैं, विभाजन से करवाए,
यूपी उससे भी कर सकते ना, अरुणाचल प्रदेश से कर सकते है ना, ठीक है, हाँ वैसे कर सकते हैं, इसको अरुणाचल प्रदेश से भी कर सकते हैं, पूरी फील्ड से भी कर सकते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश करने पर इसका क्या है भाई, उनका बहुत खतरनाक वाला है, 11 बार दो आए, दो का लगाऊंगा 1024 का 152 256 128 128 64 32 16 8 4 2 1 कर सकते हैं, सब बचपन में सीखा है, ठीक है। ये तो गए 2048 का, इसका हो गया 2048 का, हम लोग खाता करेंगे 480 240 120 60 30 15 5 एंड 5, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, दो की बात ज्यादा आ गया, 960 का करेंगे दो की बात, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 6 3 2 5 बताओ ऐसे क्या आएगा, 2048 960 का ऐसे कितना जाएगा, डायरेक्ट बोल दो ना ऐसे, सब छोटा वाला दो की बात 6 चौथा आंसर आ गया। सर आप इतनी फास्ट कैसे कर देते हो बेटा, कैलकुलेशन ऐसी है कि याद जाती नहीं, 2 की पावर 6 को 2 बार मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 × 2 करोगे 64 आए, एक बार और करोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इतना आएगा 64, वहां से कितना आया 64, ये कौन सा बात सुनता, धन्यवाद, मेरी बात को समझ गए हो, बहुत बढ़िया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हाँ अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, ढंग से सुनना है, बढ़िया तरीके से सुनना है, कान खोल के सुनना है, बुक में देखो 20वां क्वेश्चन, और मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना आप लोग, 20वां क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए, नहीं 19वां सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है क्या, बताओ कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, एक बार चेक करके बताओ कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो बताएगा वो ज्यादा होशियार, वेरी गुड 2.3 बहुत होशियार है तो 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अब मेरे को ऐसे बताओ, आप मेरे को ऐसे बताओ 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, अब क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, सब लोग इंटेलिजेंट हैं, बहुत होशियार हैं, मैं बोल रहा हूँ जो पहला पर्सन है 5√2 जो पहला पर्सन है 5√2 वो आपका 2.3 का एग्जाम्पल नंबर पहला देख लो, चाहे फिर कौन सा क्वेश्चन देख लो, या फिर 2.3 का कौन सा क्वेश्चन देख लो तीसरा, अरे 19वें का जो पहला क्वेश्चन है वो 2.3 एक्सरसाइज का, दूसरे का जो तीसरा है क्या उसी तरीके का क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, मेरी बात को समझ रहे हैं, और 19वें का पहला हो जाएगा, 19वें का चौथा भी कर सकते हो, 19वें का जो चौथा है बताओ किस तरीके का क्वेश्चन है, जो दूसरा है वो 19वें का चौथा है, अब जो 19वें का दूसरा तीसरा वो मैं बता दूंगा, चिंता मत करना, मेरी बात को समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है जी,
उन्नीसवे का पहला हो जाएगा, उन्नीसवे का चौथा हो जाएगा। अब आ जाओ बीसवा प्रश्न, जो आपका बीसवा प्रश्न है वो बताओ कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2.4 का तीसरा प्रश्न देखो, 2.4 का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का पहला है वो बीसवे का पहला है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज है। क्या सही बोल रहा हूँ? नहीं, सॉरी, 2.4 का तीसरे का जो दूसरा है उस तरीके का है आपका बीसवे का पहला है, तो उस तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने वहां पे बताया था। और जो बीसवे का जो दूसरा है वो आपका 2.4 का दूसरे का तीसरा प्रश्न है। मेरी बात को समझ गए होंगे, मेरी बात को समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से? क्या जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं वो कर सकते हो क्या? यस और नो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 19वें का पहला, 19वें का चौथा, 20वें का पहला और 20वें का दूसरा कर सकते हो क्या? आपको ही करना है, आज ही करना है। मैं आपको 19वें का दूसरा और तीसरा बता दूंगा, वो भी इजी है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं कल बता दूंगा उसको। मेरी बात को समझ गए? अब जो भी बचा है, जो भी चीजें बची है वो कब करवाएंगे? कल करवाएंगे। तो जितना पढ़ा दिया उतना कॉपी में काम कर लेना बेटा, काम रेगुलर करते रहना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। बाकी का कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम आउट हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके।